गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइस, आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 में अच्छे से बहुत सारी चीजें पढ़ रखी थी। उसमें हमने मतलब चीज प्रोडक्शन कैसे करते हैं सब कुछ हमने जाना था। आज हम लोग को यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो प्रोबायोटिक से एग्जैक्टली ये क्या होता है। ठीक है, मीन्स की प्रोबायोटिक का इस्तेमाल क्या होता है। मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपको सब समझ जाएगा। देखो एग्जैक्टली हमारा प्रोबायोटिक्स क्या होता है। देखो भाई, प्रोबायोटिक भी एक मिल्क से बनने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव बैक्टीरिया होती है। अब बैक्टीरिया का फिर से नाम याद आ गया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लैक्टोबैसिलस कसी एंड बायफिडोबैक्टीरियम बायफिडम। किसी एक का ही नाम याद रखना, मेरे हिसाब से बायफिडोबैक्टीरियम बायफिडम। मैं अन अकेडमी में भी पढ़ाता हूँ, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने सब याद कर रखा है, उनको मैंने खुद याद कराया है। यही चीजें मैंने उन्हें बताई, जो वहां मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज तुम्हें भी पढ़ा रहा हूँ। इस चीजों को प्लीज फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसे अच्छे से याद रखो। तो सिर्फ बायफिडोबैक्टीरियम बायफिडम इसे आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो ये प्रोबायोटिक्स होते हैं। बहुत सारे मतलब हार्मफुल पॉपुलेशन और बहुत सारे कैफीर, फिर ऐसे सॉरक्रॉट एंड टिपिकल ऑफ गैबेज योगर्ट, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट होती हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये सब हमारा मतलब हमारा जो बेसिकली, अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हमारा प्रोबायोटिक्स है ना, यहाँ पे जरा ध्यान देना, प्रोबायोटिक्स है ना, वो बस एक चीज क्या है, मिल्क का प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। इसका मैं अगर तुमको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, जरा ध्यान देना। देखो यार, क्या होता है ना, प्रोबायोटिक का मेन काम क्या है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। हमको अगर मान लो हमारी तबीयत खराब हुई, हम क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। तो हमारे अंदर जाती है एंटीबायोटिक्स, एक दवाई होती है जो हमारी तबीयत जब खराब होती है तो जानते हो ना क्या होता है, वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं। तो उन वायरस और बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, दवाइयां। जब हम दवाइयां खाते हैं तो हमारे दवाइयों को सिर्फ क्या पता होता है कि जो अंदर की बैक्टीरिया है उन्हें मार देना है। बट हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी बैक्टीरिया भी होती है जो हमारे लिए यूजफुल है, मतलब कि कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जिनको हमें मारना है, बट जो यूजफुल है उनको मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हमारा जो एंटीबायोटिक्स दवाई होती है उसको पता नहीं होता कि किसे मारना है किसे नहीं मारना, वो सब बैक्टीरिया को मारने लगता है। तो अंदर जब जाती है एंटीबायोटिक्स, तो जो मेन है मान लो मलेरिया हुआ बुखार हुआ, तो उसके वाले बैक्टीरिया को पैरासाइट को तो पक्का मार देगा, माइक्रोब्स को किल कर देगा। लेकिन जो ओरिजिनल हार्मफुल नहीं है, जो यूजफुल है, उसको भी तो हार्म पहुंचाएगा ना, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ना कि कैसे क्या करना है। तो उस वाली बैक्टीरिया को भी ये मार देता है, मारने लगता है, तो वो बैक्टीरिया बेचारी घायल हो जाती है और ना वो मतलब कि मतलब ऐसा कैसे, तो वो इनएक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है, वो सारी बैक्टीरिया जो है वहां पे, तो सारी जो बैक्टीरिया होती है वो इनएक्टिव हो जाती है। तो ऐसी इनएक्टिव बैक्टीरियाज को एक्टिवेट करने के लिए आज के टाइम पे हर दवाइयों में प्रोबायोटिक मिलाया जाता है, प्रोबायोटिक्स मिला के रखते हैं पहले से ही, कि मतलब बाकी के बैक्टीरिया को तो हमारा एंटीबायोटिक्स किल कर देगा, लेकिन जब वो मेन और अच्छी वाली बैक्टीरिया को किल करने लगेगा तो हमारा प्रोबायोटिक्स बचा लेगा, मतलब उसको किल नहीं होने देगा, तो हमारा काम अच्छे से चलते रहेगा। समझ गया अच्छे से। तो ये बेसिकली काम होता है हमारे प्रोबायोटिक्स का। यही कि एग्जाम में आप अच्छे से लिख देना, दैट्स इट, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। प्रोबायोटिक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेड कैसे बनाओगे, मींस ब्रेड कैसे क्रिएट करोगे। जरा देखो यहाँ पे, बेसिकली जो ब्रेड होता है ये सेरियल, यानी कि जो दाल वगैरह होती है इनके फ्लोर से क्रिएट होता है, सेरियल्स के फ्लोर से। इसमें ना बेसिकली हम एक मतलब डफ बनाते हैं, डफ मींस आटा होता है ना, उसको गूथ गूथ के ऐसा डफ बनाते हैं। ठीक है, और इसमें एक हम चीज का यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बेकर्स यीस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। फिर से एग्जांपल, बैक्टीरिया का पूरा चैप्टर ही है, हर जगह बैक्टीरिया मिलेगी। बैक्टीरिया के डर से चैप्टर नहीं करोगे तो पागल हो। बैक्टीरिया का नाम याद करना सीख लो, बाकी सब आसान है, उसके अलावा कुछ है क्या, देख लो, खुद ही देख लो। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नाम की एक बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ब्रेड बनाते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि वाटर, सॉल्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एंड बहुत सारे अलग अलग मटेरियल का हम फ्लोर के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इन सबका फर्मेंटेशन करवाते हैं, और इसमें देखो अब आटे में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब आटे में रहता है, ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ना वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और इथेनॉल में, इन सब में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी मदद से, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, वाटर, सॉल्ट, इन सब की मदद से। और फाइनली हमको क्या मिलता है, एक स्पॉन्जी टाइप का एक ब्रेड क्रिएट होकर हमें मिलता है जो हम खाते हैं। समझा, तो एक आटा ले लो, उसके अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी डालो, बैक्टीरिया का नाम है, वाटर, सॉल्ट, इस सबको डाल दो, और फिर थोड़े टाइम में क्या होगा, जो आटे के अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में, ये भाग जाएंगे, हमको मिलेगा ब्रेड।
क्लियर। तो इस तरीके से आपको सब समझ के रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कभी कभी देखो हम लोग ना एक मोनोसोडियम ग्लूटामेट अजीनोमोटो मंचूरियन खाए, रेड कलर की जो होती है उसमें यही केमिकल मिलाते हैं अजीनोमोटो, जो कि क्या होता है केमिकली मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसका नाम है। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट ही वो एक ऐसी चीज है जो कि मतलब बेसिकली अजीनोमोटो कहलाता है, और ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे किडनी वगैरह के लिए, ठीक है। तो इन बातों को आपको समझना है, और बेसिकली जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है इसी का नाम अजीनोमोटो है। दुकान में मोनोसोडियम और ग्लूटामेट बोलोगे तो नहीं पहचानेंगे, अजीनोमोटो बोलोगे पहचान जाएंगे, ठीक है। तो ये वो देते हैं इसमें कलर मिलाते हैं, रेड कलर का मंचूरियन बन जाता है, वही चीज हो रहती है ये, ठीक है। ये मोनोसोडियम और ग्लूटामेट, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी, ये सब ब्रेड या फिर बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके ही बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला विनेगर प्रोडक्शन। अब आपको बताता हूं ये एग्जैक्टली विनेगर क्या होता है, अपनी मॉम लोग से पूछना, विनेगर उनको पता होगा। देखो क्या होता है, आपके पास ग्रेप्स होता है, अंगूर, ठीक है। आप क्या करो, ग्रेप्स के मतलब जो जूस होता है उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको 6 मंथ के लिए रख दो साइड में एक डब्बे के अंदर। तो वो जो बन जाता है ना खट्टा खट्टा, एकदम ऐसे खट्टा खट्टा, ठीक है, मुंह में पानी आ गया तुम्हारे, ठीक है। तो उसको कहते हैं विनेगर, बेसिकली जो विनेगर। और उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, जो पिकल्स होता है ना, पिकल्स जो पिकल्स होते हैं, पिकल्स, वो पिकल्स को हम बाद में इस जूस में डाल देते हैं। तो हमारा जो पिकल्स होता है वो साल 5 साल 10 साल तक, इतने सालों तक वो पिकल्स रहता है, कभी खराब नहीं होता। यानी कि जो पिकल्स है, ये विनेगर है, ये विनेगर बेसिकली प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक बार विनेगर बना लो और फिर विनेगर में अगर पिकल्स डाल दोगे ना, तो पिकल्स हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए, कभी खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, और तुम अचार खा सकते हो, पिकल्स खा सकते हो, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। बहुत सारे सॉस, केचप, चटनी वगैरह, इन सबको मतलब प्रिजर्व करने के लिए विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। विनेगर कैसे बनता है, जूसेस से, एक जस्ट जूस होता है, ठीक है। विनेगर के अंदर एसिड मिलाया होता है, 4% एसिटिक एसिड होता है। ये जो एसिटिक एसिड लिखा ना, C3 और COOH, मैंने आपको कार्बन कंपाउंड में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और वहां मैंने बोला भी था कि चैप्टर नंबर 7 में हम लोग सारी चीजें देखेंगे। देखो ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, और ये 4% विनेगर में मिलाया होता है। एमसीक्यू पॉइंट याद रखना, कितने परसेंट, 4%, ठीक है। इन बातों को आपको जान के रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आप विनेगर का प्रोडक्शन बहुत सारी अलग अलग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एसिटोबैक्टर है, फिर ग्लूकेनोबैक्टर है, फिर ऐसे एस्पर्जिलस ऑरेजे है। तो इन सारी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके भी तुम लोग अपना यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो विनेगर को। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये आप बैक्टीरिया देख सकते हो, कैफा दिखता ही है, एस्पर्जिलस ऑरेजे ऐसे दिखाई देती है। चलो अब यहाँ के निकलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बेवरेजेस होते हैं, बेवरेजेस मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शंस होते हैं। देखो फ्रूट्स बताता हूँ, कभी कॉफी पिए हो ना, कॉफी तो पिए रहोगे, तो ये कॉफी कैसे बनती है कभी सोचा है, नहीं सोचा होगा, अब सोच रहे हो। देखो यहाँ पे कैसे बनता है, एक फ्रूट का नाम है जिसका नाम है कैफिया एरेबिका, इसका नाम याद कर लो प्लीज। अब ये नाम तो याद करना पड़ेगा, सोचो कॉफी जहां से बनती है उसका नाम फ्रूट का कैफिया एरेबिका। इसके अंदर एक बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, कॉफी बनाते हैं। ऐसे कोकोवा जानते रहोगे तुम लोग, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये थियोब्रोमा कोकोवा नाम का एक फ्रूट होता है, इस फ्रूट से हमारा कोकोवा बनता है। इनके अंदर कैंडिडा, हंसेनुला, इन सब बहुत सारी अलग टाइप की बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। वाइन मालूम है, पीते हो, चलो ठीक है। तो इनके अंदर ग्रेप्स का जो जूस होता है जिसे विनेगर कह रहा था मैं, वही इस्तेमाल होता है। साइडर दुकान में मिलता है, ये एप्पल के जूस, जैसे ग्रेप्स के जूस से वाइन, वैसे एप्पल के जूस से सीडर बनता है, साइडर या साइडर सीडर जो कहो कहो, ठीक है। तो ये क्रिएट होता है, तो ये टेबल याद रखो, ठीक है। देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, जो जो भी है यहाँ पे, देखो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ऐसे दिखता है, ये कौन सा फ्रूट पता नहीं, ये कॉफी है, देखो यहाँ कोकोवा सीड ऐसे दिखता है, सब है, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। अब सब कुछ तुम्हें, मेरे से ज्यादा ही मालूम है नए जमाने के बारे में, है ना, मैं तो पुराने जमाने 50,000 साल पुराना आदमी हूँ ठीक है। तो इन सबको अच्छे से समझ के रखना तुमको, एंड नथिंग, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, ओके। अब हम बढ़ते हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स में। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जैक्टली एंजाइम्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यार एग्जैक्टली एंजाइम्स क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो जो एंजाइम्स रहता है ना, एंजाइम्स हमारे बॉडी में जो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं ना उनको बूस्ट करता है, उनके रेट को बूस्ट करता है। मान लो कोई रिएक्शन अगर 5 घंटे में हो रहा है तो उसको ये 2 घंटे में करवा देता है, तो ऐसा एंजाइम करता है हमारी बॉडी के अंदर। पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, बहुत सारे अलग टाइप के केमिकल के कैटलिस्ट इस्तेमाल किया करते थे, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट होता ना, हमने चैप्टर नंबर 3 साइंस 1 में पढ़ रखा है। तो कैटलिस्ट विच इंक्रीज और विच बूस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट इन इट, यही होता है ना कैटलिस्ट, है ना, विच बूस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट,
है ना, बिना किसी मिक्सचर के, बिना किसी टेंशन के, और क्या कर देता है ये, मतलब बूस्ट कर देता है रिएक्शन को। यही होता है हमारा कौन, कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट हमारा यही काम करता है। तो बेसिकली जो केमिकल कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्ट करते हैं, रिएक्शन के टाइमिंग को बूस्ट कर देते हैं। तो वैसे ही एंजाइम का भी काम है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन, हमारे बॉडी के रिएक्शंस को बूस्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन जानते हो क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं लो टेम्परेचर में, पीएच में और प्रेशर में, और इस वजह से ड्यू टू बहुत ज्यादा एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, उस चक्कर में मतलब इनको सारी एनर्जियां मिल नहीं पाती हैं, और इस चक्कर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि एंजाइम्स मर जाते हैं। इसके लिए अगर एंजाइम्स को तुम्हें रखना है तो ये बहुत ज्यादा मतलब नेसेसरी होता है कि तुम ना मतलब ज्यादा मतलब उन्हें बचा के रखो, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि एक एंजाइम को रखने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, लो पीएच वैल्यू, मतलब ना पीएच की वैल्यू एसिड बेस वाला वो, और लो प्रेशर चाहिए। लेकिन अगर तुम हमेशा, कब तक ये मेंटेन करोगे यार, कब तक मेंटेन करोगे, बहुत पैसा खर्चा आता है, बहुत मतलब कॉस्ट, प्यूरिफिकेशन का कॉस्ट, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हमने केमिकल का जो सब्सटेंस है उसको यूज करना बंद कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं। मतलब पहले हम क्या करते थे, केमिकल्स के एंजाइम बनाते थे और फिर उनका इस्तेमाल करते थे, उसको रखने के लिए लो लेवल टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, ये सब रखने के लिए बहुत कंडीशंस बनानी पड़ती थी और बहुत पैसा खर्च होता था। अभी हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके एंजाइम बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोबियल एंजाइम। और ये एंजाइम क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल और रिएक्शंस का इस्तेमाल करके उनको रीयूज करके हम क्रिएट करते हैं, तो हमारा कोई एक्सपेंसेस नहीं होता। और तो ये इको फ्रेंडली होते हैं, और ये एंजाइम्स बेसिकली अच्छे तरीके से आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स में जिनका, जैसे कि देखो पढ़ लो, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफ्रेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमेरेज, लिगेज, ये बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जिनको आप आसान भाषा में, आसान तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो दुनिया में विदाउट एनी एक्सपेंसेस। ठीक है, बिना किसी टेम्परेचर को मेंटेन किए, बिना प्रेशर, बिना पीएच वैल्यू, बिना कुछ खर्च किए आराम से आप इन्हें बना सकते हो। ऐसे एंजाइम्स का नाम होता है माइक्रोबियल एंजाइम, जो दुनिया में अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और इस बात को आपको समझना है, बहुत सारे एंजाइम का इस्तेमाल डिटर्जेंट के फॉर्म में भी होता है, बहुत सारे माइक्रोबियल एंजाइम बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, लाइक चीज, प्लांट एक्सट्रैक्ट, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर, ये सब बनाने में भी इस्तेमाल होती है बहुत सारे माइक्रोबियल एंजाइम्स का। कितना आसान टॉपिक था, 3 marks को एग्जाम में आता है, अच्छे से याद रखना ना। अब हम बढ़ते हैं एक फ्लो चार्ट की तरफ, मतलब ऑर्गेनिक एसिड यूज्ड इन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोबियल यूजफुल फॉर द सेम, इसके बारे में देखते हैं एग्जैक्टली क्या लिखा है यहाँ पे। देखो, बहुत सारे सुगर, ऑर्गेनिक बोला ना, ऑर्गेनिक मतलब कि जिसमें मींस कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वही हमारा होता है ऑर्गेनिक चीजें। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, सुगर है, जूस है, ये सब जो भी हम फूड खाते हैं सब ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, जो सुगर है या फिर बीट के मोलासेस, सुगर मोलासेस मालूम है क्या होता है ना, सुगर का जूस निकालने के बाद जो बचता है ना उसको सुगर का मोलासेस कहते हैं, या फिर अमोनिया सॉल्ट, इन सब में अगर हम लोग ब्रैवी बैक्टीरियम या फिर कोराइनो बैक्टीरियम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक एसिड मिलता है जिसका नाम है एल ग्लूटामेट, और इससे हम लोग अजीनोमोटो बनाते हैं। समझा, अजीनोमोटो किससे बनता है, नाइट्रोजन से, कितना डेंजरस होता है हमारे बॉडी के लिए, इन बातों को आपको समझ के रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगर सॉल्ट या सुगर मोलासेस का इस्तेमाल करें और अगर उसमें हमने एस्परजिलस नाइजर डाल दिया, एक बैक्टीरिया का नाम है, माइक्रोब है, तो इसके सिट्रिक एसिड बनता है और इससे हम लोग ड्रिंक, टॉफी, चॉकलेट प्रोडक्शन करते हैं हम लोग। सोचो, अगर हमने ग्लूकोज या कॉर्न स्टीप लिक्वर, लिक्वर मालूम है ना, इसका इस्तेमाल किया और इसमें हमने सेम बैक्टीरिया एस्परजिलस नाइजर डाला तो हमको मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, और जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम और आयरन के लिए बॉडी में। ऐसे बहुत सारे मोलासेस और कॉर्न की स्टीप होते हैं, अगर हमने इसमें लैक्टोबैसिलस डेल ब्रुका है जो हमने प्रोबायोटिक्स में इस्तेमाल किया था, अगर हम इसका या फिर योगर्ट में इस्तेमाल किया था, अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो हमें लैक्टिक एसिड मिलता है और इससे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन और विटामिन भी हमें मिल सकता है। बहुत सारे अगर कॉर्न में ही अगर हमने एस्परजिलस इटाकोनियस, अलग अलग टाइप की बैक्टीरिया है, इनका इस्तेमाल किया तो हमें इटाकोनिक एसिड मिलता है और इसका इस्तेमाल पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्री, गम प्रोडक्शन, इन सब में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चार्ट बहुत यूजफुल था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जानने के लिए। आपने कभी आइसक्रीम खाई है? आइसक्रीम को चाटते हैं, खाते नहीं है, ठीक है, ऐसे तो आइसक्रीम कभी चाटे हो तुम लोग? ठीक है, खाए हो, चाटे हो, जो भी किए हो ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, जो बहुत सारी मतलब जो आइसक्रीम्स वगैरह होती है ना, आपको मालूम भी होगा आई होप,
है ना, तो उसमें उसके अंदर ना एक तरीके का जरा यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, आइसक्रीम्स में बेसिकली हम लोग उसमें थिकनेस देने के लिए, देखो आइसक्रीम मोटी होती है, थिकनेस देने के लिए जैंथम गम का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्लेवर, ठीक है। जैंथम गम चॉकलेट ड्रिंक है, शेक्स है, इंस्टेंट सूप होता है, उसमें हम लोग ना जैंथम गम मिला जिससे कि उसके अंदर थिकनेस आ जाए, मतलब कैसे पतला पतला रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, थिकनेस आ जाएगी ना तो खा पाओगे अच्छे से, तो ये सब शेक है, मिल्क शेक होता है, फिर जैंथम गम इसमें हम मिला देते हैं तो मोटा हो जाता है, मतलब खाने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक बैक्टीरिया होती है, इसका नाम है ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास स्पेसीज वाली बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल करते हैं इन सब आइसक्रीम वगैरह को बनाने के लिए, बहुत जगह में और इस्तेमाल होता है, लाइक पिगमेंट यानी कलर के फॉर्म में, फर्टिलाइजर है, वीडीसाइड मालूम है ना, मतलब जो घास होता है उसको किल करने के लिए भी वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट है, हाई क्वालिटी पेपर है, इन सब में हम लोग यहाँ पे ज़ैंथोमोनास का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को आपको समझ के रखना है, तो एग्जाम में आएगा तो लिख देना आइसक्रीम में ज़ैंथोमोनास। पिछले साल के पेपर में माइडल जानते हो क्या आया था, पिछले साल के पेपर में आया था कि मतलब जो एस्पार्टेम है इसका यूज क्या है और ज़ाइलिटॉल इसका यूज क्या है, तो ये टेबल से क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसे होता है, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये यहाँ पे सब्सटेंसेस ऑब्टेंड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग, इन सब्सटेंसेस का रोल क्या है, तो देखो यहाँ पे अच्छे समझना कि कोई भी चाहे सिट्रिक, मैलिक, लैक्टिक कोई भी हो, इनका काम होता है टू इम्पार्ट एसिडिटी, कहीं भी एसिड देना हो तो एसिडिटी इंपार्ट करते हैं। फिर ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ो चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी साइंस 2, तो वहां पे प्रोटीन बाइंडिंग में इस्तेमाल होता है। नाइसिन, नेटामाइसिन, माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर, एस्कॉर्बिक एसिड में एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन के लिए, बीटा कैरोटीन एडिबल कलर्स के लिए, पॉलीसेक्राइड्स या ग्लाइकोलिपिड्स में एमल्सीफायर के फॉर्म में, एसेंस है, एग्जाम में यही वाला आ सकता है वापस से, यहां से कुछ नहीं आ सकता। तो ज़ाइलिटॉल और एस्पार्टेम ऐसी चीजें हैं। तो गाइस जो बेसिकली ये हमारा ज़ाइलिटॉल और एस्पार्टेम है ना, ये ज़ाइलिटॉल और एस्पार्टेम जो होता है ये ऐसे केमिकल कंपाउंड है जिसमें से आप ना मीठापन ला सकते हो, मतलब ये स्वीटनर होते हैं यार, आपको मालूम है क्या ये स्वीटनर हैं, मतलब कि देखो सपोज आप बारात में गए और आपको शादी कहीं करनी है, सपोज दैट, ठीक है, वहाँ पे शरबत बनानी है, ड्रिंक बनाना है मीठा वाला, और आपके पास शक्कर नहीं है, शुगर नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आप थोड़ा सी अमाउंट में भी अगर ज़ाइलिटॉल या फिर एस्पार्टेम का इस्तेमाल करते हो, आप 100 गुना मतलब 100x टाइम्स, इतने टाइम्स मीठा ला सकते हो किसी भी सब्सटेंस में, मतलब कि इनमें कैलोरी भी लो होती है और आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, मतलब विदाउट शुगर के मीठापन। आपने कहीं सुना रहेगा शुगर फ्री लिखा रहता है, शुगर फ्री, ये शुगर फ्री कैसे बनता है बताओ जरा, शुगर फ्री ऐसे ही बनता है, उसमें शुगर तो होता नहीं लेकिन मीठा पूरा रहता है, मालूम है, तो ये शुगर फ्री कहलाता है, जिसके अंदर हम लोग ज़ाइलिटॉल या एस्पार्टेम इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों में से एक आपको आ सकता है एग्जाम में, जिसको आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एंटीबायोटिक्स की तरफ चलते हैं। अब देखो जो हमारा एंटीबायोटिक्स है, अब इसकी तरफ हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे एंटीबायोटिक्स एग्जैक्टली क्या होता है। बहुत सारे ऐसे डिसीजेस होते हैं जो ह्यूमन बींग्स को पकड़ लेते हैं, मतलब इंसान बीमार पड़ जाता है बहुत सारे अलग अलग तरीके के, मतलब मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं, जब इंसान बीमार पड़ता है, इंसानों को बहुत डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया या फंगस पकड़ लेती है, मालूम है ना, फंगल इन्फेक्शन से दाँत खाज खुजलियाँ हो जाती हैं और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप की एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिंस, मोनोबैक्टम, बैसिट्रासिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, ये जेंटामाइसिन नियोमाइसिन बेसिकली टीबी वगैरह की बीमारियों में हेल्प करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स है ना, वेनोसाइमेसिन, मतलब वैंकोमाइसिन, ठीक है, तो ये से बहुत सारी, ये डॉक्टर जब बनोगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारी दवाइयों के नाम याद करने पड़ेंगे, ये सब दवाइयों के नाम है, अलग अलग काम है इनका, गूगल करोगे तो आपको सबका मालूम पड़ेगा, तो ये सब दवाइयां हैं, यानी कि इन्हें आप एंटीबायोटिक्स भी कह सकते हो, तो इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, इस बात को आपको समझ के रखना है, ओके। चलो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जानते हो क्या होता है, ग्राम मतलब होता है एक चना, यानी कि जो फ्लोर होता है ना, फ्लोर एक आटा, उसमें हम लोग जब टेस्ट करते हैं बैक्टीरिया का तो उसमें से एक ग्राम निगेटिव और एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया निकलती है, जो निगेटिव दिखाता है सिम्टम्स या साइंस उसे ग्राम निगेटिव, जो पॉजिटिव दिखाता है उसे ग्राम पॉजिटिव, बेसिकली सिंपल भाषा में कहते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बता सकते हैं आपको, ये बात आपको समझ के रखनी है। चलो अब हम फाइनल टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स की तरफ चलते हैं, मतलब माइक्रोब का इस्तेमाल करके तुम फ्यूल्स कैसे बना सकते हो, हम इसके बारे में अभी देखने वाले हैं। देखो चलो आपको बताता हूं, देखो तीन टाइप है अपने पास माइक्रोब का इस्तेमाल करके फ्यूल बनाने का, तीनों टाइप एग्जाम में लिख सकते हो। देखो पहला है गैसियस फ्यूल, दूसरा है इथेनॉल का इस्तेमाल करके, तीसरा है हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके।
गैसियस फ्यूल का इस्तेमाल करोगे तो मीथेन का आपने देखा होगा, आपने बायोगैस देखा है, बायोगैस आई होप आपने नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 14-15 में देखा होगा, नाइन्थ में बायोगैस जिसमें हम लोग मीथेन यानी कि CH3 का CH4 का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को आपको समझ के रखना है, CH4 जो मीथेन गैस होती है ये माइक्रोबियल एनरोबिक डिकम्पोजिशन से मिलता है। आपको मालूम है ना एक डब्बा रहता है ना, आपको मालूम होगा ऐसे एक डब्बा रहता है, फिर इस डब्बे के अंदर हम मीथेन डालते हैं है ना, फिर यहाँ से ऐसे गैस आती है मीथेन से, फिर यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से ऊपर गैस निकलती है जिसे हम बायोगैस प्लांट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गाय का गोबर वगैरह रहता है ना, काउ डंग या फिर बफेलो डंग, इन सब डंग का इस्तेमाल करके हम लोग उसको डिकम्पोज करते हैं, एनरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं और इससे हमें गैस मिलती है, जिसका आपके घर में देखो जिससे रोटियां बनती है, गैस आती है ना घर में, गैस का बाटला होता है, गैस भारत गैस, HP का गैस, ऐसे इंडेन है, बहुत सारी अलग टाइप की गैस होती हैं। तो ये गैस जो होती है ना, गैस उसके अंदर जो ये LPG भरी होती है, बेसिकली आप कह सकते हो कि ये यही गैसेस होती हैं। ना आगे बढ़ते हैं इथेनॉल। अब आप अल्कोहल से भी क्रिएट कर सकते हो बहुत सारे फ्यूल्स को। फ्यूल मालूम है ना क्या है, अभी इतना तो पता ही होगा ना कम से कम, यार इतने तो गए गुजरे नहीं हो। तो जो फ्यूल होता है इसके अंदर अल्कोहल बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं टू क्लीन द फ्यूल ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। अब मान लो आपको फर्मेंटेशन से आपने फ्यूल पा लिया, बताऊंगा कैसे पाओगे आप लोग, फर्मेंटेशन से आपने फ्यूल पा लिया, अब यही फ्यूल को अगर आपको क्लीन करना है, अच्छा प्योर फ्यूल चाहिए, तो आप इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल करो और आपको मिल जाएगा। हमने इथेनॉल के बारे में चैप्टर नंबर 9 साइंस 1 में भी पढ़ रखा है, तो ये भी बातें आपको अच्छे से समझ के रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अपने आप में, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस के बारे में जानते हैं एग्जैक्टली कि भाई हाइड्रोजन गैस का क्या इस्तेमाल है। आप हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके भी आप फ्यूल बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फोटो रिडक्शन में। फोटो मतलब होता है लाइट, रिडक्शन मतलब होता है एडिशन किसी चीज का, इलेक्ट्रॉन वगैरह का किसी चीज का, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है इसमें भी आप फ्यूचर में देखो, अभी क्या हम इस्तेमाल करते हैं, कोल इस्तेमाल करते हैं, अभी हम लोग बायोगैस यानी कि मीथेन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब फ्यूल के फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। इन फ्यूचर जानते हो जब सब खत्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन ही एक ऐसी गैस है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे फ्यूचर में। आज के टाइम पे भी जब रॉकेट वगैरह को यहाँ से हम लोग स्पेस में लेकर के जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम लोग हाइड्रोजन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। इन बातों को आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलो तो बेसिकली हाइड्रोजन जो गैस होती है, जब आप बायो फोटोलाइसिस करते हो यानी कि वाटर का, जब आप पानी आपके पास H2O अवेलेबल है और इसको लाइट की मदद से सोलार पावर प्लांट या लाइट की मदद से आप लोग इसको ब्रेक करते हो तो आपको इससे हाइड्रोजन निकलता है और यही हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हम लोग एज अ फ्यूल कर सकते हैं। तो ये सोचो मतलब तीन टाइप के आपको फ्यूल मिल चुके हैं, पहला है बायोगैस, दूसरा था आपका इथेनॉल, तीसरा आपका हाइड्रोजन गैस। तो ये प्लीज आप ना सबके सब याद करके रखोगे, एग्जाम में आता है माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। अब मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बताने वाला हूँ बायोफ्यूल्स क्या होता है, एग्जैक्टली मीन्स बायोफ्यूल क्या है, एग्जैक्टली बायोफ्यूल क्या है। देखो भाई बायोफ्यूल एक ऐसा फ्यूल है, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, आप पेट्रोलियम का इस्तेमाल क्या करोगे बताओ। एक बार आपने बाइक में डाला पेट्रोल या डीजल, जो भी आपके पास गाड़ी है उसमें आपने डाला पेट्रोल डीजल, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल आपने एक बार यूज कर लिया तो ये पेट्रोल डीजल को आप दोबारा नहीं पा सकते हो, ये खत्म तो खत्म कहानी इनकी, ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बन के हवा में उड़ जाते हैं, तो ये बायोफ्यूल नहीं होते। फिर बायोफ्यूल कौन से होते ये देखते हैं। देखो बायोफ्यूल एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक बार यूज करोगे तो यूज करने के बाद दोबारा उसी से आप लोग फिर से एनर्जी बना सकते हो और वो कहीं जाएगी नहीं, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एक खत्म नहीं होती कभी एनर्जी, ये वाली ऐसी एनर्जी होती है और बहुत ही बेस्ट गुड एनर्जी कहलाती है। ये बेसिकली तीनों टाइप में होती है, ये जो फ्यूल होती है सॉलिड में भी पाए जाते हैं और ये हमको सॉलिड के फॉर्म में जैसे कोल है, डंग है, क्रॉप रेसिड्यू, इन सब के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में लाइक वेजिटेबल ऑयल, अल्कोहल, गैसियस, गोबर गैस, इन सब में, मतलब ऑयल्स और अल्कोहल पाए जाते हैं, और गैसियस फॉर्म में गोबर गैस है, कोल गैस है, इन सब के फॉर्म्स में भी हमको ये बायोफ्यूल मिलता है। तो तीनों टाइप में हमारा बायोफ्यूल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में होता है। अब देखो सॉलिड मतलब काऊ का डंग, अब आप ही बताओ गांव में ठंडी के मौसम में जब काऊ डंग को हम जलाते हैं तो क्या मिलता है हमें। देखो काऊ डंग को जलाते ना यार, आपको मालूम नहीं क्या, काऊ डंग को हम जब जलाते हैं तो हमको गैस आग निकलती कि नहीं निकलती है, तो वो आग भी तो एक एनर्जी है ना। तो इस तरीके से बायोफ्यूल का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस बात को आपको समझ के रखना है, ओके। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमको थोड़ा फ्लो चार्ट समझ लो अच्छे, जिससे कि आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है ना कि इस दुनिया में बहुत सारे प्लांट है, ये प्लांट को हम बायोमास कहते हैं, ठीक है। बेसिकली बायो मतलब इन्वायरमेंट और वहां पे जो मास प्रेजेंट है वो मास मतलब वेट, तो किसका वेट ज्यादा है, प्लांट, इन्वायरमेंट में प्लांट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, प्लांट इंसानों से भी ज्यादा है इस दुनिया में, ठीक है। चलो तो ये प्लांट होते हैं, आपको मालूम है प्लांट के पास एक ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज, और कौन सा ग्लूकोज होता है, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है सेलुलोज,
प्लांट के पास यही सेलुलोज ही होता है। हम क्या करते हैं, जब ये प्लांट सड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं जंगलों में, जब प्लांट गिर के, आपको मालूम है अब अमेज़न के जंगल में जाओगे तो वहां पे कितने सारे प्लांट, सारे के सारे प्लांट खड़े होंगे, ऐसा थोड़ी है, सब प्लांट गिर भी गए होंगे, कुछ गिर के सड़ गए होंगे। तो वैसे प्लांट को हम लोग मशीन के थ्रू लेके आते हैं और उनको हार्वेस्ट करते हैं कंपनियों में, फिर उसको हम लोग थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग मतलब लकड़ियों को, लकड़ी होती ना लकड़ी, लकड़ियों को हम लोग छोटा, लड़कियां नहीं बाबा, लकड़ियां लकड़ियां, लकड़ियों को हम लोग छोटा छोटा काटते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं, थ्रेसिंग जिसे कहते हैं हम लोग। हार्वेस्टिंग करने के बाद थ्रेसिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग मतलब लेके आओ फिर थ्रेसिंग करो, काट पीट दो, काटने के बाद ना उसका उसका जूस निकालो। आपको मालूम है, आपने देखा होगा जब कभी भी आप लोग किसी भी लकड़ी को जोर से ऐसा दबाओगे ना, आप गन्ने के जूस को देखो, गन्ने से कैसा जूस निकलता है, शुगर से जूस, शुगर केन का जूस पियो कि नहीं पियो, दुकान में मिलता है, ठीक है। तो जो गन्ने का जूस होता है, शुगर केन का जूस, शुगर केन का जूस जब उसका निकाल लेते हैं तो जो बाकी का मटेरियल बचता है तो वो क्या होता है, वो साइड में फेंक देते हैं। तो वैसे ही जब किसी भी लकड़ी को भी अगर आप ऐसा कंप्रेस करोगे ना तो आपको एक मटेरियल मिलता है जिसका नाम है सेलुलोज, ठीक है। अब आपको पता होगा कि सेलुलोज हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना, एक ही बार सब बताऊंगा, ठीक है। तो सेलुलोज हमारा एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट आपको मालूम है ना, C6H12O6 यही कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग कंपनी में डाल देते हैं। देखो कंपनी में डाला हुआ है, जब कंपनी में डालोगे तो ये जो यहाँ पे हमारा सेलुलोज है इससे हम लोग शुगर निकालते हैं, शुगर, ठीक है। इस शुगर का हम फर्मेंटेशन करते हैं, हमने इसके पहले आपको बताया भी था कि इस शुगर का फर्मेंटेशन करने से हमें मिलता है बायोफ्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा वेट करो, धैर्य करो जरा, ठीक है, देखो ध्यान से। अब आप ही बताओ, जैसे कि हमने लैक्टोज शुगर का इस्तेमाल किया था, लैक्टोज शुगर का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया से हमने उसका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया था। दुनिया में ऐसे ऐसे टाइप की बैक्टीरिया होती हैं, जब आप सेलुलोज नाम के शुगर को कंपनी में भेजोगे और यहाँ पे इसका फर्मेंटेशन होता है, तो फर्मेंटेशन से हमें मिलता है शुगर, और इस शुगर का हम क्या करते हैं, मतलब बेसिकली फर्मेंटेशन ही करते हैं शुगर को वापस से, तो हमें मिलता है बायोफ्यूल, और इस फ्यूल का इस्तेमाल हम कार में, व्हीकल्स में, एरोप्लेन में, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। जब कार और एरोप्लेन या व्हीकल चलते हैं तो उनसे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा एक शुगर से ही बन के निकला ना, क्योंकि अगर हम लोग हमारे पास बायोफ्यूल नहीं होता तो कार चलती क्या, कार चली तभी ना कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो क्या कार प्रोड्यूस कर रही है क्या कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, ये बायोफ्यूल ही कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट वापस से ले लेते हैं। और प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते ही हैं, हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ये प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये प्लांट वापस से इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और फिर से वापस से इनको हम हार्वेस्ट करेंगे, कुछ प्लांट और बचेंगे उनको हार्वेस्ट करेंगे, उनको थ्रेसिंग करेंगे, थ्रेसिंग से हमको प्लांट के अंदर का सेलुलोज मिलेगा, उसको कंपनी में से हम शुगर बनाएंगे, शुगर का करेंगे फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से मिलेगा बायोफ्यूल, बायोफ्यूल को हम लोग यूज करेंगे गाड़ियों में, गाड़ियों से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से डालेंगे किसमें, प्लांट में, और प्लांट से हमें फिर से वापस से इसी साइकिल को बार बार फॉलो करते रहेंगे। इस तरीके से हमारी दुनिया में बायोफ्यूल का प्रोडक्शन होता है। इन बातों को आपको अच्छे से समझ के रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है, समझ गया अच्छे से किस तरीके से हमारा ये बायोफ्यूल का टॉपिक था। अब अगले वाले वीडियो के पार्ट में हम लोग माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में सीखेंगे, और अगले चैप्टर में, अगले वाले वीडियो में हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों को सपोर्ट करो यार, सभी लोगों को सेंड करो, मैंने एकदम डीप कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया है, तो अगला जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझेंगे डीप के साथ, कि भाई माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल एग्जाम में क्या क्या आएगा इंपॉर्टेंट, और कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको आपको समझाऊंगा मैं, ईच एंड एवरी लाइन समझाता हूं, क्योंकि ये टॉपिक जीके वाला है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा ज्यादा तो होता नहीं है, बस यही आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो इसको आपको शेयर कर देना है सभी अपने फ्रेंड्स में, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई आपकी डिमांड हो, कुछ आपको चाहिए रहेगा तो बताओ, सब कुछ मैं हेल्प करूंगा, डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए ही हूं, ठीक है, कभी भी अपने आपको अकेला मत समझना, शेयर करना जितना हो सके सारे फ्रेंड में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सभी फ्रेंड को बताओ, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको कभी नहीं मिलेंगी, हमारी वीडियोज को टीचर्स भी देखते हैं लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए, समझ गया, ये बात आपको समझ के रखनी है, ओके। सो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।